चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है ईश्वर रायदास। ईश्वर जी आप कहाँ से आए हैं? मैं ग्राम मोहरा तहसील गुरूर जिला बालोद छत्तीसगढ़ से आया हूँ। सर आप क्या काम करते हैं? जी मैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में सहायक शिक्षक पंचायत के पद पर कार्यरत हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 12 सितंबर 2013 को ली है। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले कक्षा 5वीं में था, तब गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ था और उन्हीं की साधना में लगा हुआ था। लेकिन वहाँ की साधना करते करते वहाँ के जो दिशा निर्देश थे और कुछ इंसिडेंट्स ऐसे थे जिसको देखकर वहाँ से थोड़ी सी मन हट गई। मैं वहाँ से मेरी भावना पूरी तरह से खत्म हो गई। हालांकि मैं उस भक्ति को वो गायत्री मंत्र जो दिया गया था वो करते रहा, मंदिर जाना बंद कर दिया था। सर आप गायत्री परिवार से कितने साल तक जुड़े रहे थे? जी मैं करीब करीब 17 साल तक उस पंथ से जुड़ा रहा। सर आपने बताया कि आप 17 साल तक गायत्री परिवार से जुड़े रहे, तो सर वहाँ भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? जी वहाँ के भक्ति साधना करते करते तो कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, बल्कि मैंने 17 साल करीब करीब सप्ताह के एक दिन में, हर दिन हर सप्ताह मैं एक व्रत रखता था, कभी रविवार को कभी गुरुवार को। फिर किसी ने मुझे बताया कि बजरंगबली का उपवास रखने से लाभ होता है, तो वो व्रत भी किया। ऐसे करते करते सप्ताह में एक दिन मैंने लगभग लगभग 17 वर्ष व्रत रखा, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हुआ वहाँ से। फिर भक्ति करते करते हुए मेरी शादी हुई। शादी के बाद मुझे वहाँ से मेरे को संतान की दिक्कत हो रही थी, मेडिकली हम दोनों में थोड़ा सा दिक्कत था। तो हमने सुना था कि संतों की शरण में जाने से, भगवानों की शरण में जाने से, मंदिर मस्जिद में जाने से लाभ प्राप्त होता है, तो मैंने गायत्री मंत्र को जाप किया, बजरंगबली से बहुत अरदास लगाई, लेकिन वहां से मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। और यहाँ तक कि जो श्रृंगी ऋषि है, जिसका नाम आप सब जानते हैं, पूरा विश्व जानता है कि भगवान राम जी को उनके यज्ञ के माध्यम से दशरथ जी ने प्राप्त किया था, उसका तपो स्थली हमारे छत्तीसगढ़ में है। मैंने उस भूमि पर भी जाके मत्था टेका कि हो सकता है यहाँ जाने से जो ऋषि भगवान को प्रकट कर सकते हैं, ला सकते हैं, वो मेरे लिए भी एक जातक दे सकते हैं। ऐस करके मैंने वहां भी गया था, लेकिन मुझे वहां से भी कोई प्राप्त हुआ न, गायत्री परिवार से, न बजरंगबली की साधना से, न श्रृंगी ऋषि, और आसपास के जितने भी देवी देवता थे, जितने भी हमारे क्षेत्र के जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर थे आसपास के, हमारे शहर के आसपास, वहां से भी मैंने थक हार लिया था, बल्कि मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। सर आप तो 17 साल से गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे, फिर आप इतने दूर छत्तीसगढ़ से फिर हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? न्यूज चैनल में एक एडवर्टाइजमेंट आया कि कोई जाकिर नायक जी हैं, मुसलमान धर्म के प्रवक्ता हैं, उन्होंने हमारे भारत देश के सभी धर्माचार्यों को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को आमंत्रित किया है ज्ञान चर्चा के लिए। ये एडवर्टाइजमेंट ने देखा, मेरे मन में ये फील हो रही थी कि ये मुसलमान धर्म के प्रवक्ता है और किसी संत रामपाल जी महाराज ने ये चैलेंज स्वीकार किया है, तो ये चैलेंज स्वीकार कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये पक्का ये मुसलमान धर्म के प्रवक्ता को पराजित करेंगे। और मैं अपने आप को हिंदू समझ रहा था, मेरी मेंटेलिटी ऐसे ही थी, हम सब ऐसे ही अपने आप को धर्मनिरपेक्ष समझते हैं, लेकिन अपने अपने धर्म को अच्छा मानते हैं। तो अंत में मैंने ये सोच करके वो पूरा एपिसोड देखा। पहले 2 दिन तो बैठे बैठे नींद आ गई, लेकिन मैंने परमात्मा का ज्ञान समझने का प्रयास किया। 3रे दिन मालिक की रजा हुई, पूरा ज्ञान देखा। 4थे दिन जाकर मैंने अपने बिस्तर पर खूब रोया कि हे मालिक, ये ज्ञान, ये परमात्मा, आप कहाँ थे? फिर ये ज्ञान सुनकर मुझे बहुत ही झटका लगा। मुझे पता चला कि ये मैंने अपना 17 साल, जो बहुत ही कीमती समय था, मैंने अपना अन्य धर्मों के साधनाओं में व्यर्थ कर दिया और मैं तत्काल संत रामपाल जी महाराज की चरण में आने का निर्णय ले लिया। और मैंने 12 सितंबर सन 2013 को संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आकर अपना नाम दीक्षा लिया। सर जब भी हम संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं से मिलते हैं, उन्हें कोई ना कोई शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या आध्यात्मिक लाभ अवश्य होते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद। सर आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? जी परमात्मा की चरणों में आने के बाद तो लाभ ही लाभ है। मैं कितने लाभ गिनाऊं, 4 साल लगभग हो गया मुझे भक्ति करते मालिक की चरण में आकर। मैं बहुत सारे लाभ तो नहीं, कुछ लाभ अवश्य गिनाना चाहूंगा। सबसे पहले मुझे आध्यात्मिक लाभ ये हुआ कि मेरे पिताजी कहा करते थे कि परमात्मा का नाम तो एनी टाइम लिया जा सकता है, और हम भक्ति करते थे, दीपक जलाते थे,
और अगरबत्ती जलाकर हमारा भक्ति खत्म हो जाता था। और जब संत रामपाल जी महाराज की चरणों में आया, तब उसके बाद मुझे पता चला कि परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे मिलते हैं, किसने देखा है, उसका नाम क्या है, पाने की विधि विधान क्या है, मंत्र क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते हैं और हमको उनकी कैसी भक्ति करनी चाहिए ताकि हमें मनवांछित लाभ मिले। बात है 4 अगस्त 2014 की बात, जब मैं स्कूल से वापस आ रहा था। उस दिन इतनी बारिश हुई थी, इतनी बारिश हुई थी कि उसके पहले और उसके बाद मैंने इतनी बारिश कभी नहीं देखी। तो घर में मेरी पत्नी अकेली थी और मेरे साथ एक साथी था, वो भी उसकी भी पत्नी घर में अकेली थी। तो हम लोग सोचे कि बाइक छोड़ देते हैं स्कूल में और वापस आ जाते हैं, पुल पार करके चले जाएंगे पैदल। तो इतनी बारिश हुई थी कि हम लोग पुल के ऊपर से तो पार कर लिए, लेकिन पुल के ऊपर से जो रास्ता था वो थोड़ा टर्न था, हम लोग अंदाजा नहीं लगा पाए। और जैसे ही हमारा पैर गड्ढे में गया, हम बहने लगे और इतने दूर जा करके मैंने वो उनको इशारा किया, मेरे दोस्त था, कि एक पेड़ पकड़ेंगे करके, जो अखबार में भी आया था ये समाचार, मैं आपको प्रमाण के रूप में दिखाऊंगा। कि फिर हम लोग एक पेड़ को पकड़े, लगभग लगभग आधा किलोमीटर की दूरी में जाके हम लोग फंसे। और उस नदी के क्रॉस साइड से एक और नदी आती है, वहां से भी उफान में पानी चल रहा था। अगर हम लोग वो पेड़ नहीं पकड़ पाते तो उस नदी की तरंग में हम लोग बह जाते और हम लोग को उस दिन अंत निश्चित था। तो मैंने वहीं पर पेड़ को पकड़ने के बाद परमात्मा से अरदास लगाया मन ही मन, अगर ये शरीर छूटा तो मुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा। मैंने मालिक से ये भी अरदास लगाई कि हे मालिक, आप मुझे तो बचाओ, साथ में मेरे साथी को भी बचाओ, क्योंकि अगर मैं अकेले बचूंगा तो समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा कि खुद बच गया, साथी को छोड़ दिया। तो मालिक ने उस दिन ऐसी रजा करी, उन्होंने मेरे साथ मेरे साथी की भी जीवन रक्षा करी। और गांव वाले, पूरे गांव वाले, क्या बच्चे क्या बूढ़े, पूरे गांव वाले आ गए थे हमारी मदद के लिए। और उन्होंने रस्सी के माध्यम से, हम लोग 3:30 बजे लगभग लगभग फंसे थे, रस्सी के माध्यम से उन्होंने हमको निकाला। संत रामपाल जी महाराज ने गांव वालों को मदद करने की प्रेरणा देकर हमारी मदद की और जीवन रक्षा करी। ये देखिए, ये उस दिन की घटना के बाद का जो समाचार पत्र है वो मैं कटिंग के रूप में रखा था, वो मैं आप सबको दिखाना चाह रहा था कि ये बारिश ने मचाई तबाही, कई लोग हुए बेघर। इसमें यहाँ पर मेरा नाम भी लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे दो शिक्षक ईश्वर राय और कमलेश कुमार करके बाढ़ में बह गए थे। ऐसे ही बहुत सारे स्थानीय अखबारों में उस घटना का उल्लेख किया गया था। और इसके बाद दूसरे दिन कलेक्टर ने बाढ़ प्रभावित जितने भी स्कूल हैं वहां पर छुट्टी की घोषणा कर दी थी। तो उसके बाद घर आया, जैसे तैसे गांव वाले हम लोग को छोड़ने आए थे, गगोरी पार गांव था, वो गांव वाले घर में छोड़ के गए। रात भर नींद नहीं आई, रात में जब लगभग 4 बजे के आसपास सिर्फ 45 या 40 मिनट के लिए मुझे नींद आई थी। उस दिन संत रामपाल जी महाराज मेरे सपने में आए और मैं सपना ये देख रहा था, मैं किसी जलाशय के किनारे खड़ा था, किसी ने मुझे पीछे से धक्का दे दिया और इतनी भयंकर वो जलाशय थी, बहुत ऐसे ऐसे सांप थे जो यहाँ इस पृथ्वी लोक में दिखाई भी नहीं देते। तो मैं ऐसे ऐसे करके क्रॉस कर करके आगे बढ़ रहा था, अपने आप बह रहा था। फिर अचानक दो बंदे आए जो कच्छा बस पहने थे और उनका शरीर इतना भयंकर काला था, वो मेरे दोनों बांह पकड़ लिए और बोले कि, मैं बोला क्यों पकड़ रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, उन्होंने कहा राजा के पास। तो अर्थात मैं बाद में समझ गया कि वो यमराज के दूत थे। तो मैंने कहा ठीक है, आप जहाँ ले जाना है ले जाइए, और लेकिन इस पानी के अंदर मत डुबाना। मेरा सतनाम चल रहा था उस समय, पानी के अंदर डुबाने लगे तो मेरा अब सतनाम जाप करते नहीं बना, क्योंकि पानी के अंदर सांस लेते नहीं बनता है। तो फिर उसी समय पीछे से संत रामपाल जी महाराज नाम लेकर आवाज दिए ईश्वर करके, और जैसे ही वो मेरा नाम लिए संत रामपाल जी महाराज ने, वो दोनों दूत छोड़कर चले गए। और इस तरह सपने में आने के बाद मुझे परमात्मा ने बचाया और उन्होंने मुझे जीवन दान दिया, और ये जो जीवन है संत रामपाल जी महाराज का देन है। सर, आपने बताया कि आप गायत्री परिवार से जुड़े रहे 17 साल तक और आपको बच्चे की प्राप्ति की इच्छा थी। 8 साल तक आपको वहाँ पे बच्चे की प्राप्ति नहीं हुई। फिर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद क्या आपको संतान की प्राप्ति हुई? जी, मैं संत रामपाल जी महाराज की चरणों में आने के पश्चात अरदास लगाई कि गुरुजी, 8 साल हो गए, संतान नहीं हुआ है, मेरी कोई संतान नहीं है। परमात्मा ने कहा था कि देंगे बेटा। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज ने मुझे आश्वस्त किया, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हो गया कि परमात्मा जो बोल दिए हैं
वो होगा, क्योंकि संत वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाइए बलवान। जिस संतान की प्राप्ति के लिए मैं दर दर ठोकरे खाया, संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाने के मात्र 2 वर्ष के पश्चात परमात्मा ने हम पर रजा की और ये पुत्री रत्न के रूप में हमें संतान की प्राप्ति हुई है। नमस्कार जी। सर साहेब, क्या नाम है आपका बहन जी? प्रीति। बहन जी, अभी आपके पति ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको पुत्री की प्राप्ति हुई है, क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही है। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद हमें 8 साल बाद ये बच्ची प्राप्त हुई है। इस तरह संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के पश्चात हमें जो संतान प्राप्ति की इच्छा थी वो भी पूर्ण हुई और पुत्री रत्न के रूप में हमें ये संतान प्राप्त हुआ। सर, आप पढ़े लिखे वर्ग से हैं, यहाँ तक कि आप शिक्षक हैं, लेकिन कुछ लोगों का यह मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो श्रद्धालु जुड़ते हैं अंधश्रद्धा भक्ति के तहत जुड़ते हैं, सर ये बात कहाँ तक सही है? जी, ये बात वो लोग करते हैं जो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को बिल्कुल भी नहीं जानते। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी ही तरह और भी जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, यहाँ तक कि कलेक्टर लोग भी हैं, इस प्रकार से और भी सिविल जॉब में हैं या पर्सनल जॉब जो एजुकेटेड समाज है, वो सारे लोग संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आकर जुड़ रहे हैं। और इसलिए ये कहना कि सिर्फ अनपढ़ लोग आते हैं या अंधश्रद्धा से आते हैं, ये कहना बिल्कुल मिथ्या है। आप जब तक उनके ज्ञान को नहीं समझोगे तब तक ये बात आपको पता नहीं चलेगा कि लोग अंधश्रद्धा से नहीं आते हैं बल्कि उनके ज्ञान को समझकर उनके चरणों में आते हैं। सर, आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं जन समुदाय को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो कबीर परमात्मा जिसका वेदों में कबीर देव नाम लिखा है, कुरान शरीफ में कबीरा नाम लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब में हक्का कबीर नाम लिखा है, दादूदास, मुलुकदास, गरीबदास जैसे संतों की वाणी में उस कबीर परमात्मा का स्पष्ट उल्लेख है। उस परमात्मा ने आज से 600 साल पहले कहा था कि कलयुग बीते 500 पाचा तब ये मेरा वचन होएगा साचा, 5505 जब कलयुग बीत जाए महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। तो वो कलयुग सन 1997 में 5505 वर्ष कंप्लीट हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज के रूप में वो महापुरुष इस धरती पर आ चुके हैं, उनके ज्ञान को समझो, जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज की चरणों में आओ, अपना कल्याण कराओ। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? आजकल साधना टीवी में या और भी बहुत सारे टीवी चैनलों में संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं। उस सत्संग के नीचे हमारे सतलोक आश्रम के नंबर फ्लैश होते हैं, उन नंबरों से आप कांटेक्ट करिए, आपके जो भी क्यूरीज हैं वहां पर आपका समाधान होगा। और साथ ही आपके नियरेस्ट जो नामदान दीक्षा प्रदान किया जाता है वो केंद्र का पता दिया जाएगा, आप वहां से नाम दीक्षा लेकर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जुड़ सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद।